आसंता काली उत्तर प्रदेश विधानसभा निर्वाचन रो गणति सेथिपाई विभिन्न स्तर रे प्रस्तुति हेछि एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी मध्य विभिन्न प्रस्तुति आरंभ करचंती ता सहित सुरक्षा व्यवस्था को नै कि मध्य विभिन्न पदक्षेप नै आइछि आमे आलोचना करबा आमो सहित अछंती डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी एडिशनल सीईओ सर आपको तो पहले अर्गस न्यूज में स्वागत करेंगे तो पहली सवाल रहेगी आपसे कि ये जो अरेंजमेंट कैसा बना है कल गिनती है गिनती किया जाएगा इतना बड़ा राज्य है 403 विधानसभा क्षेत्र हैं जी हाँ सभी जगहों पर जैसे 7 चरणों में पूरे मतदान प्रक्रिया बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है इसी तरह मतगणना के लिए भी पूरे प्रबंध किए गए हैं जिससे पूरी मतगणना निष्पक्ष सुरक्षित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न हो और जिसमें पोस्टल बैलेट और ईवीएम से प्राप्त मत सभी की गणना की जाएगी। इसमें प्रक्रिया ये है कि पहले सुबह 8 बजे जो पोस्टल बैलेट हैं जो 4 तरह के होते हैं 4 कैटेगरी हैं उसकी उन सभी की गणना जो की जाएगी और 8:30 बजे से ईवीएम से प्राप्त जो है मत गिने जाएंगे। और लेकिन जो ईवीएम के लास्ट राउंड की गणना होगी वह पोस्टल बैलेट से जितने मत आए उनकी गणना पूरी हो जाने के बाद ही होगी कि जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जाएगी तभी जो है ईवीएम का लास्ट राउंड गिना जाएगा वीवीपैट की पर्चियां मिलाई जाएंगी और उसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फिर जो है गणना केंद्र कितने बने हैं और वहाँ पे कितने नियोजित किए गए हैं अधिकारी गणने के लिए? देखिए पूरे प्रदेश में हर जिले में गणना केंद्र बनाए गए हैं और इन पर सुरक्षा के पूरे प्रबंध किए गए हैं। वहाँ पर केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की पूरी तैनाती की गई है, लगातार सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था की गई है और जो मतगणना होगी उसकी पूरी वीडियोग्राफी भी कराई जाएगी जिससे इसकी पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। और इसमें जाने के लिए जो प्रत्याशियों और राजनीतिक दलों के एजेंट हैं सबको पास इशू किए जाते हैं, यहाँ मोबाइल मीडिया के पास होते हैं, मोबाइल पर प्रतिबंध होता है और पूरी प्रक्रिया बहुत ही पारदर्शी तरीके से संपन्न कराई जाएगी। और एक बात मतलब गिनती तो होगा मतलब कब से शुरू होगा और कब तक ख़त्म हो जाएगा? 403 सुबह 8 बजे से गणना शुरू होगी, पोस्टल बैलेट से शुरू होगी और 8:30 बजे से ईवीएम की गणना शुरू होगी और सायंकाल तक रिजल्ट सर। आखिरी सवाल रहेगा आपसे कि मतलब सुरक्षा के बारे में तो आपने बता दिया कैसे प्रबंध किया गया है, मतलब ये पूरा प्रोसेस ये कैसे समाप्त किया जाएगा? मतलब पहले तो आपने बोला कि वो पोस्टल बैलेट का गिनती होगा उसके बाद ईवीएम, पोस्टल बैलेट ख़त्म होने के बाद ईवीएम का ख़त्म किया जाएगा, तो सर कल ही घोषणा हो जाएगी कि? जी हाँ कल परिणाम आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित आलोचना करते एडिशनल सीईओ डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी थिले एवं पूरा प्रक्रिया कहिले एवं आसंता काली को अपेक्षा जे केतेबेले गणती आरंभ हो सुरक्षा व्यवस्था को नेकि मध्य से सूचना देले। लखनऊ रु कैमरा पर्सन हेमंत सेठी सहित प्रदीप महापात्र अर्गस न्यूज।